नगर परिषद सुजानपुर के नवनिर्वाचित पार्षदों को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ उपमंडल अधिकारी शिल्पी बेकटा द्वारा दिलवाई गई। नगर परिषद कार्यालय में एक साधारण कार्यक्रम के तहत सभी पार्षद उपस्थित हुए और उन्हें अपने दायित्व के प्रति जागृत करते हुए शपथ दिलवाई गई। इस मौके पर शहर के वार्ड नंबर 1 से लेकर 9 तक के सभी पार्षद मौजूद रहे। बता दें कि नगर परिषद सुजानपुर से 9 पार्षद हैं, जिनमें 4 भाजपा और 4 कांग्रेस के हैं और एक आजाद पार्षद जीतकर विजयी हुआ था। जीतने के बाद आजाद पार्षद ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के सामने पेश होकर विधिवत भाजपा पार्टी ज्वाइन कर ली थी। ऐसे में वर्तमान में भाजपा के 5 पार्षद हैं। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस पार्टी का बनता है, इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ज्ञान करती हूँ कि मैं भारत के प्रति विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगी तथा जिन कर्तव्यों का भार मैं संभालूंगी उनका श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। नगर परिषद सुजानपुर टीरा के वार्ड नंबर 4 एक से वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने पर सत्य निष्ठा से। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट।